हेलो गाइस, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका? तो यार मैं बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोगों से। मतलब कि वीडियोस देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स और चाहिए यार मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। इतनी मेहनत कर रही हूँ, एटलीस्ट इतने सारे लोग देखते हो, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो कर ही सकते हो ना यार, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। इतनी मेहनत करती हूँ, नॉन स्टॉप 30-30 मिनट बोलती रहती हूँ मैं। एक तो वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो यार मेहनत भी देख लिया करो, उसे वीडियो देख के चले जाना, ये थोड़ी अच्छी बात थोड़ी ना है कि ये तो गलत बात हुई ना। तो यार आप लोग समझदार हो, मैं क्या बोलूँ, देखते हैं आगे का क्या ही, मतलब मेरी बातों का कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, देखते हैं। तो यार जो मेरे चैनल पे नया हो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब बोलो, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो उनका दिल से थैंक्स। तो आप लोगों को स्टोरी का तो पता ही होगा क्या हुआ है कि मतलब अभिनव का एक्सीडेंट अगले एपिसोड में क्या हुआ था कि अभिनव का एक्सीडेंट होता है, बट अभी वो ठीक है। अक्षिता गई हुई है अमेरिका अपने कुछ ज़रूरी काम से, और अब विराज जो कि वैशाली के शूटिंग लोकेशन पे पहुँच हुआ है। तो उस अब वहीं से इस कहानी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मनु जो कि विराज पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, मतलब उस पर गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही होती है, तभी विराज अपनी गन निकालता है और मनु के सिर पे लगा देता है। मनु जोशी वैशाली की सेक्रेटरी मतलब असिस्टेंट। तो विराज जब निकाल देता है तो मनु डर के मारे मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है ऐसे, उसके सिर पे भी किसी के भी सिर पे गन रखोगे तो ऑब्वियसली डर ही जाएंगे। तो यही सीन यहाँ पे भी होता है, तो डर जाती है वो। तो विराज को लेकिन ये सब करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, मतलब विराज मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अभी ये लड़की जो चप्पड़ चप्पड़ कर रही थी मेरे सामने, इसकी मुंह नहीं बंद हो रहा था, अब देखो कैसे शांति से खड़ी है। तो विराज को ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा होता है, वो इंजॉय कर रहा होता है मनु का डर। तो मनु कुछ नहीं बोलती, उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसके सामने ऐसे गन किसी ने पॉइंट किया तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी वैशाली के पीछे से आवाज़ आती है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो वैशाली जो कि प्रोड्यूसर मतलब उसे बुलाया था किसी काम के लिए, तो वैशाली दूरी खड़ी होती है और वो जब बाहर आती है तो देखती है यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। तो वैशाली विराज से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब वैशाली गुस्से में बोलती है कि यार मतलब उसके असिस्टेंट पे ऐसे गन रखा है, तो वो पूछती कि तुम क्या कर रहे हो, देखो क्या कहता है विराज। तो वैशाली की आवाज़ सुनते ही विराज देखते हैं कि वैशाली सामने से आ रही होती है, और वैशाली कहती है फिर से कि तुम क्या कर रहे हो विराज। तो विराज के दिमाग में एक आइडिया सूझता है, तो मनु का हाथ पकड़ता है और अपने अपने करीब खींचता है उसके मतलब सर के पास गन पॉइंट फिर से करता है। और ये देख के तो मनु की सांसें तेज़ हो जाती है कि अब उसे लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में। तो विराज कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई ना विशाली, तो मैं इसे अभी यहीं पे मार दूंगा। तो ये सुनने के बाद मनु की सांसें और तेज़ हो जाती है, और वैशाली भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वर्सन उसे बताता है कि विराज एक माफिया है, मतलब विराज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा गुंडा है, वो किसी को भी मार सकता है एक ही मिनट में, उसे मारने में किसी को कोई टाइम नहीं लगता, वो जिसे चाहे उसे मार ही सकता है। तो ये सुन के वैशाली बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अभी सिचुएशन में वो क्या ही करे। तो वो कोई जवाब नहीं देती है, तो विराज कहता है ठीक है तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं इस मतलब ये तुम्हारी गलती की सज़ा मैं इसको ही दे देता हूँ, ठीक है तुम मत सुनो, मैं इसको तुम्हारी गलती की सज़ा दे देता हूँ। तो विराज और वैशाली की तो इस हरकत से देखिए मनु चिल्लाने लगती, कहती है वैशाली मैम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तो मनु की आवाज़ सुन के वैशाली कहती है कि विराज रुको, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हटाओ पहले गन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो इतना कहते ही विराज कहता है कि सच में? तो वैशाली कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो विराज कहता है कि पहले आके तुम कार में बैठो फिर मैं उसे छोड़ दूँगा। तो वैशाली आती है और कार में बैठ जाती है, और वैशाली कार में बैठते ही विराज मनु को छोड़ देता है और कार में बैठ जाता है खुद। तो
फिर अब विराज लेके जाने लगता है वैशाली को, तो मनु देखती रह जाती कि वहां से कार जा रही होती, तो मनु को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है वैशाली के लिए कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। तो फिर क्या होता है, मनु जल्दी से उसकी गाड़ी का नंबर नोट करती है और एक कैब बुलाती है और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैशाली कार में बैठे बैठे विराज को घूर रही होती है गुस्से से। तो विराज पूछते है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो वैशाली, क्योंकि मतलब विराज कब से देख रहा था कि वैशाली से घूरे जा रही थी। तो इन सबसे परेशान होकर आखिर मतलब विराज ने पूछ लिया कि यार वैशाली तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या दिक्कत है। तो विराज से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया। तो वैशाली कहती क्या तुम सच में मेरे भाई हो, मतलब गुस्से से आके छोटी करते हुए कहती है। तो विराज कहता है कि चलो पहले हॉस्पिटल जाके डीएनए टेस्ट ही करा लेते हैं, फिर बाद में चलते हैं घर। तो वैशाली रूड होते हुए कहती नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो विराज कहता है कि मतलब विराज उसके पास वहीं के मुस्कुराता है और कहते हैं कि यार ये सच में मेरी ही बहन है, हालांकि वो साथ नहीं रहते थे बट वैशाली में कुछ गुंडों वाली गुण तो थे। जैसे वैशाली मतलब कि वैशाली काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी। तो विराज कहते हैं कि यार ये मेरी बहन ही है, इसमें हमारे सारे गुण हैं। तो विराज कहता है कि माँ तुम्हें याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। वो काफ़ी शांत लहजे से कहते हैं कि वैशाली को कि मतलब माँ उसको याद करके रोती रहती है, वैशाली की जो रियल माँ होती है। तो ये सुनते ही वैशाली का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। विराज देखते हैं कि ये शब्द सुनते ही वैशाली का एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया, मतलब कि माँ सुनते ही वैशाली के अंदर के जो इमोशन था वो सब बाहर आ जाते, क्योंकि जब निर्मला उसकी माँ जो थी जिसके साथ वैशाली हमेशा से बचपन से रही है, उनकी डेथ के बाद उसने कभी किसी को माँ नहीं कहा था, ना कभी उसे कोई माँ का प्यार मिला। तो ये सुनते ही वैशाली का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है माँ सुन के, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही होती है। उसे उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसे वो खो चुकी होती है। हालांकि निर्मला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि निर्मला को नहीं पता था कि वैशाली उसकी बेटी नहीं है। तो अब देखो क्या होता है। तो अब अचानक से मतलब वैशाली की ज़िंदगी में एक नई माँ आ जाती है। तो अचानक से किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई आ जाएगा तो वो शॉर्ट होगा। तो वैशाली को कुछ ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि यार वो मतलब इस फीलिंग को या क्या समझे, मतलब उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है कि वो क्या ही करे। उसे नहीं पता होता कि यार ये फीलिंग कैसी है, काफ़ी अजीब फील हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सोच पे पड़ी होती है, काफ़ी अजीब फील कर रही होती है, वियर्ड लग रही होती है, मतलब कहती है कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी क्या कहूँगी। तभी विराज की कार एक बड़े से मैंशन में रुकती है। तो वो मैंशन देखते हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान था, काफ़ी बड़ा था, वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, मतलब कि गेट के में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था कि सचदेव मेंशन लिखा हुआ था। तो विराज कार अंदर लेके जाता है तो सारे बॉडीगार्ड्स उसे सैल्यूट कर रहे होते हैं। तो विराज कार अंदर लेके जाते हैं तो कार की आवाज़ सुनते ही उसकी माँ बाहर आती है और कहती है कि मेरा बेटा आ गया, पक्का वो उसे लेके आया होगा ना, वो कहाँ आ गया, ऐसे भागते हुए बाहर आती है। तो विराज कार से उतरता है तो वो देखती है कि वो उसे देखती रहती है, कहती है तुम आगे विराज। तभी वैशाली कार से उतरती है जिसे देख के दर्शनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और मतलब उनकी आंखों में अलग सी चमक आ जाती है, क्योंकि मतलब उन्हें यकीन नहीं होता कि वैशाली ऐसे उनके घर आएगी, क्योंकि विराज तो आज वादा करके गया था कि वो वैशाली को लेके आएगा ही आएगा, बट उन्हें यकीन नहीं था कि वैशाली सच में आएगी। लेकिन अब वैशाली जब उनके सामने थी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमेशा से वो वैशाली के लिए तड़पती रही हैं। तो वो वैशाली के पास जाती हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। उसके पास आती हैं तो वैशाली उन्हें देख रही होती है कि मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल, उनकी आंखों से मतलब आंसू आ रहे होते हैं। तो वैशाली उन्हें देखती है और बस वो वैशाली के पास आती है और उसके गाल को छूती है और कहती है कि बेटा तुम आ गई, तो तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया है। तो वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करे। तो वो हल्का सा मुस्कुरा के गर्दन हिला देती है। तो वैशाली अभी भी शॉर्ट होती है, अब इसका नहीं पता। देखो वैशाली आने को तो आ गई है बट अक्षिता कैसा बिहेव करेगी इसे नहीं पता, क्योंकि अक्षिता को इन सब चीज़ों का नहीं पता और अक्षिता है भी नहीं इंडिया में। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वो तभी दर्शनी मतलब उसका हाथ पकड़ चुकी थी कि चलिए अंदर,
तो वैशाली जाने लगती है। तो वैशाली अंदर आती है, तो जैसे ही वो अंदर आती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह बारिश हो रही होती है, क्योंकि उन दोनों ने मतलब वैशाली के वेलकम प्लान बहुत अच्छे से किया होता है। बहुत सारी औरतें होती हैं जो फूल वैसे बरसा रही होती हैं। यार अमीर लोग क्या बताएं कितना दुख है, तो अमीर लोग हमें कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब फूल बरसा रहे होते हैं, तभी कुलदीप जो कि वैशाली के रियल पप्पा हैं तो वो आते हैं। तो वो उनके हाथ में एक थाली होती है, मतलब कि पूजा की थाली होती है। तो वो आते हैं और वैशाली को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वैशाली अंदर आती है तो वो उसे तिलक लगाते हैं, और तभी वो कहते हैं कि मुझे पता था मेरी बेटी ज़रूर आएगी इस घर में। तो वैशाली अंदर आती है तो वो देखती है कि महल मतलब कि पूरा सजा हुआ होता है, जैसे कि उन्हें पता था कि आज मैं आने वाली हूँ। मतलब महल पूरी तरीके से उन लोगों ने सजाया हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था वैशाली को वो घर। और वैशाली काफ़ी अजीब फील कर रही थी, मतलब उसे काफ़ी अजीब लग रहा था ऐसे अचानक से सब आ रहे थे आ रहे थे। तभी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब वो पूजे वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो थाली लेके उसके एक बुढ़ा सा आदमी आता है, तो वैशाली देख के और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वैशाली को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि यार यहाँ चल क्या रहा है। अचानक से उसे झटके पे झटका लग रहा था, लेकिन वैशाली कहीं ना कहीं अंदर से खुश भी थी। तो विराज देखता है वैशाली को कि ये ऐसे घूर रही है, तो विराज कहते हैं ये हमारे दादाजी हैं, ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तुम्हें पता है इनके हाथ में मतलब इन ये सारा दिन पूजा पाठ करते रहते हैं, ये भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इनके पास ये तो गन को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो जो कि असल में विशाल के दादाजी बहुत ज़्यादा अयाश होते हैं, ठरकी होते हैं, बहुत ज़्यादा लुक के किस्म के होते हैं। तो मैंने बताया नहीं था, बट उनके दादाजी का जब इंट्रो हुआ था, मैंने इंट्रो दिया नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा ठरकी थे, तो इसीलिए मैंने नहीं दिया। मैंने बोला क्या फिजूल में जोड़ूँ, तो इसीलिए मतलब। तो ये विराज जो कि मजाक मजाक में बोल रहा था कि उसके दादाजी बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके हाथ में कभी भी गन नहीं होता। तो ये सुन के कुलदीप को खांसी आ जाती कि यार ये विराज क्या ही बोले जा रहा है सब उल्टा पुल्टा। तो वैशाली कहती ओह, तो वैशाली ऐसा कहती है, वैशाली ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अभी वो खुद शॉक्ड हुई होती है कि यार मैं ऐसे यहाँ पे कैसे रिएक्ट करूँ। मतलब वैशाली खुश भी होती है एक तरफ से। तो वैशाली के दादाजी वैशाली के पास आते हैं और उसे मतलब प्रसाद उन्होंने रखा होता है वैशाली के लिए कब से, तो कब से नहीं मतलब कि पूजा करके आए होते हैं तभी रखा होता है, महीनों से नहीं रखा होता है, ठीक है, तो ये समा समझ लेना है। तो मतलब वो प्रसाद लेके आते हैं और वैशाली के मतलब वैशाली को खिलाते हैं। उसके बाद वो वैशाली की तरफ देखते हैं, जो कि उनकी पोती काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वैशाली की खूबसूरती की तारीफ तो मैं कर करके थक गई हूँ। तो वैशाली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो उसके दादाजी देखते हैं अपनी पोती को जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वैशाली पूरी की पूरी अपनी माँ के जैसी होती है, उसकी माँ भी ऐसे ही दिख रही होती है, तो दोनों की शक्ल काफ़ी ज़्यादा सेम होती है। तो देखते हैं वो वैशाली को और बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है उनको वैशाली पे। तो वैशाली देखती है कि यार ये मतलब इतना ज़्यादा प्यार मुझे कर रहा। तो दर्शनी कहती है कि चलो ना अब खाना खा लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बच्ची के साथ खाना खाने के लिए। तो सबको ये चीज़ सही लगता है, क्योंकि सबने डिसाइड किया होता है कि जब तक वैशाली नहीं आएगी कोई कुछ नहीं खाएगा। तो अब वैशाली आ गई है तो सब भूख लगी होती है सबको, तो सब अब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। तो सब बैठते हैं तो सारे बैठे होते हैं, तब वैशाली के जो दादाजी होते हैं संसार सचते, वो धीरे धीरे करके वैशाली की थाली में एक के बाद सारी डिशेस रखते रहते हैं। तो विराज कहता है कि दादाजी वो इंसान है, भैंस नहीं है। वैशाली मतलब कि वो कहते हैं कि मेरी बहन इंसान है, भैंस नहीं है, जो आप एक के बाद इतना सारा खाना रखे जा रहे हैं वो कैसे खाएगी इतना सारा खाना। तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुमसे मतलब मैं मेरी पोती को खाना खिला रहा हूँ ना, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, वो खा लेगी। तो उसके दादाजी काफ़ी गुस्से से ही कहते हैं, तो वैशाली कहती है दादाजी मैं इतना कैसे खाऊंगी। तो वैशाली पहली बार किसी को मतलब अभी वैशाली आखिरकार बोल पड़ती है, वैशाली जो कि जब सही होती है एक लफ्ज नहीं बोला होता उसने, लेकिन अब बोल पड़ती है कि दादाजी मैं इतना ज़्यादा कैसे खाऊंगी। तो दादाजी उसके मुँह से सुन के उसके दादा काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उनकी पोती ने दादाजी कहा होता है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि आखिरकार वैशाली कुछ तो बोली, जब से आई थी तब से छुपी तो बैठी थी।
तो सारे खाना खाते खाते काफ़ी हंसी मजाक करते हैं और काफ़ी अच्छे से खाना खा रहते हैं। तो आज सचिव मेंशन का ना माहौल बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत बहुत ज़्यादा अलग ही होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने सजा होता है, काफ़ी खुशी का माहौल होता है। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता मेंशन में, लेकिन आज कुछ अलग ही सीन होता है क्योंकि आज उनकी प्यारी बेटी वैशाली घर पे आई हुई होती है। तो जहाँ मतलब कि उन्होंने पूरा घर लाइक सजा दिया होता है, जहाँ जहाँ उन्होंने गन्स रखे थे पहले, वहाँ वहाँ उन्होंने हटा के मतलब भगवान की तस्वीर लगा दी होती है सिर्फ और सिर्फ वैशाली के लिए। मतलब कि वो लोग वैशाली से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो लोग वैशाली के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो सारी मेड्स खड़ी होती हैं, तो दर्शनी वैशाली को पूरा घर दिखाने के लिए लेके जाता है। तो सारी मेड्स खड़ी होती हैं, तो वो बात कर रही होती हैं कि ये भूतिया घर आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी महल की तरह सजाया हुआ है, आज घर में कुछ अलग ही रौनक है। तो दूसरी कहती है कि हाँ हाँ रौनक क्यों नहीं होगी, आज हमारी छोटी मालकिन जो आई है तो रौनक तो होगी, और वैसे भी ये खोखार लोग आज काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो तीसरी कहती है कि देखो ना हमारी छोटी मालकिन कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो किसी अप्सरा से कम नहीं है, वो कितनी प्यारी है। तो चौथी कहती है कि हाँ देखो बिल्कुल बड़ी मालकिन की तरह लगती है ये, तो पक्का जवानी में बड़ी मालकिन ऐसे दिखती होगी। तो पहले वाले कहती कि बड़ी मालकिन ना ना ना, उनसे तो ना मिलाना, बड़ी मालकिन कितनी ज़्यादा खोखार खतरनाक है, वो तो किसी ड्रैकुला से कम नहीं है, लेकिन छोटी मालकिन देखो ना कितनी मासूम से कितनी प्यारी है। तो यार वो मेड्स आज काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि यार हमेशा ना मतलब कि उस घर में हमेशा उनको डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि जो दर्शनी होती है ना वो हमेशा उन लोगों पे नज़र रखती है, तो ऐसे वो चुगलियाँ नहीं कर पाती हैं जो आज कर रही हैं एक दूसरे से बात। तो आज तो वैशाली आई होती है, तो दर्शनी का सारा ध्यान वैशाली पे होता है, उसे किसी चीज़ की खबर नहीं होती पीछे क्या चल रहा है आगे क्या चल रहा है, उसे बस वैशाली ही दिख रही होती है। बट फिर दर्शनी नोट करती है कि नौकरानियाँ खड़ी हुई कि आपस में पता नहीं क्या गपशप कर रही हैं। तो दर्शनी कुछ बोलती तो नहीं है क्योंकि उसके पास वैशाली होती है, तो वो गुस्सा नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं बोल सकती, वो गुस्सा नहीं कर सकती है क्योंकि वो लोग काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, जो कि घर में काफ़ी अलग ही माहौल होता है, बट वैशाली के आने से काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं। तो दर्शनी तो वैशाली के सामने कुछ नहीं बोल पाती, बट गुस्से से आँख दिखाती है। जब मेट्स उसकी आँखें देखती हैं तो समझ जाती हैं कि ये खुखार, मतलब उसकी आँखें देख के कहती है ये खुखार कभी नहीं सुधर सकती, और ऐसा सुनते ही मेट्स वहाँ से दफा हो जाती है क्योंकि वो सारा दिन काम ही करती रहती है। बट अभी थोड़ा उन्हें सांस लेने की फुर्सत होती है वैशाली की वजह से, बट उसकी आँख देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं हिले तो वैशाली मैम के जाने के बाद पक्का हमारा मर्डर कर देंगे ये लोग, तो इसलिए वो लोग चली जाती है अपने अपने काम करने। तो जब सब काम काम पे लग जाते हैं, तो दर्शनी कहती है कि वैशाली चलो मेरे साथ तुम्हें कुछ दिखाना है जो मैं तुम्हें हमेशा से दिखाना चाहती थी। तो वैशाली उनके पास चली जाती है, तो वो वैशाली को एक बड़े से कमरे में लेके आती है। कमरा दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, मतलब कि वो कमरा काफ़ी बड़ा होता है और एक क्वीन साइज बेड होता है, और उसके सारे कमरे पिंक कलर से होता है, मतलब कि पर्दा अलमारी वगैरह सारे। एक लड़की मतलब एक लड़की के लिए वो कमरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, मतलब कि एक लड़की के लिए वो कमरा किसी सपने से कम नहीं होता। तो वैशाली को ये रूम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब हद से ज़्यादा, कोई भी लड़की होती है तो उसे लाजमी है पसंद आना ये रूम, तो उसे रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दर्शनी कहती है कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम आज से मतलब तुम यहाँ पे रह सकती हो, मतलब ये तुम्हारा कमरा है, ऐसा कहती है वैशाली को। तो वैशाली को कमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, मतलब बहुत बहुत खुश होती है वो इस कमरे को देख के। लेकिन दर्शनी की बात सुन के कि ये कमरा तुम्हारा है, तो ये सुन के वो परेशान हो जाती कि आखिर ये क्या क्या रही है। तो वो कहते कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरी अक्षिता से शादी हो गई है, मैं अक्षिता के साथ रहती हूँ, आपको तो पता है ना कि मेरी शादी हो गई है अक्षिता से, मैं उसी के साथ रहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो ये सुन के दर्शनी पैनिक होने लगती है, बट वो थोड़ा खुद को नॉर्मल करती है और नॉर्मल होते हुए कहती कि नहीं नहीं तुम, मैं ये नहीं कह रही कि तुम यहाँ रहोगी, ये रूम तुम्हारा है, एक्चुअली जब तुम यहाँ पे आओगी ना हमसे मिलने तो तुम यहाँ रहोगी, मेरा कहने का ये मतलब था। वैशाली तुम हमसे मिलने आओगी तो ना, तो दर्शन वैशाली खुश होते हुए कहती कि हाँ हाँ मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। तो वैशाली मुस्कुराते हुए मायूस दर्शनी को जवाब देती है कि हाँ मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी।
तो फिर वो दोनों बाहर आते हैं बात करते करते, तो नीचे का सीन अलग ही होता है। उसके दादाजी किसी का कॉलर पकड़ते हैं, गुस्से से चीख रहे होते हैं, हालांकि वैशाली को इतनी दूर तक सुनाई नहीं दे रहा होता, बट उसके दादाजी ने किसी का कॉलर पकड़ा होता है जोर से। तो वैशाली देखती है, तो वैशाली देख के शॉक जाती है और वो पूछती है अपनी माँ से कि ये दादाजी ऐसे गुस्से में क्यों लग रहे हैं, मतलब कि क्या बात है, दादाजी इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं। तो दर्शनी के पास कोई भी वर्ड नहीं होता कि यार, मतलब उन लोगों ने पहले से डिसाइड किया होता है कि वैशाली आएगी तो वो लोग कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई भी ऐसा कुछ शो नहीं करवाएंगे घर में। तो हालांकि वैशाली को पता होता है कि वो लोग माफिया हैं, गुंडे हैं, तो लाजमी है ये सब, बट उन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि वो पहले ही दिन वैशाली को ये सब हरकत करके डराएंगे नहीं, मतलब इनसिक्योर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा होता है, उन लोगों ने डिसाइड पहले से किया होता है कि ऐसा कोई सीन नहीं चलेगा, बट अब वो लोग डराना नहीं चाहते थे वैशाली को, लेकिन अभी अलग सीन चल रहा होता है। अब क्या सीन है कि यहाँ तक तो वैशाली को आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रहे थे, बट गुस्से में वो चीख रहे थे। तो बाकी देखो क्या कौन है वो आदमी और उसके दादाजी क्यों चीख रहे हैं। तो दर्शनी के खांसने की वजह से कुलदीप वगैरह सब थोड़े से मतलब कि सचेत हो जाते हैं, मतलब कि वॉर्न हो जाते हैं। तो बट संसार सचेत जो होते हैं वो मतलब कि उनकी इतनी ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो अब उनके सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, उन्हें सही से सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो वो अभी भी अपने काम में लगे होते हैं, उसे मतलब फिर वैशाली आगे आती है और कहती है कि दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हैं आप और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वैशाली को देख के वो हैरान जाते हैं, अचानक से वैशाली उनके सामने आ जाती है। तो वैशाली उस आदमी को देखती है जिसके पसीने छूटे होते हैं, उसका डर के मारे मतलब बुरा हाल हो रहा होता है, उसे वो समझ में नहीं रहता कि अभी वो कैसा बिहेव करें। तो वो जब देखते हैं कि वैशाली देख लिया है, वैशाली देख रही है कि इन लोगों का सीन, तो कि वैशाली से मतलब उनसे पूछ रही होती कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वैशाली की आवाज़ सुनने के बाद संसार, यार क्या बोलूँ मैं, संसार सचदेव कहते कि हाँ हाँ ऐसे ही करना है बिल्कुल, अभी तुम्हारी स्किल्स नहीं है बट धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी तुम जाओ मैं तुम्हें बाद में अच्छे से सिखा दूंगा। तो वो बंदा शॉक हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो वो जब सुनते हैं कि बोल रहे कि हाँ अभी तुम जाओ, तो इतना सुनते ही वो बोलते कि भाड़ में गया है बुढ़ा, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी जान मुझे प्यारी है, और से कह के वो चुपचाप निकल लेता है। तो चुपचाप निकल जाता है, तो वैशाली शॉक होती है कि क्या कर रहे हैं। तो उसके दादाजी कह रहे कि ये ना बहुत भोला आदमी है, पता है सबसे पीट के आ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे कुछ स्किल्स सिखाई दो, कुछ टेक्निक सिखा दो जिससे ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए मैं ये सब सिखा रहा था इसे। तो वैशाली को पता होता है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, यहाँ दरअसल कुछ और ही चल रहा है, बट वैशाली चुप होती है, कुछ नहीं बोलती कि चलो बहाना बना रहे तो बहाने से ही, बट मुझे पता है ये सब बहाना है, कैसा कोई सीन नहीं है, ये टेक्निक वगैरह कुछ नहीं सिखा रहे, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। वो दूसरी तरफ वीरान जो कि डाइनिंग टेबल पर अभी भी बैठा था, और ये वो सब सीन का मज़ा ले रहा था कि यार घर में यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन चल रहा था, तो बस ये वो इन्जॉय कर रहा था कि उसके दादाजी कितने डरपोक है, मतलब विशाली के सामने उन्होंने कैसी बात बदल दी। तो इस चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था कि घर में सीन कितना गजब का चल रहा है, तो वो बहुत इंजॉय कर रहा था। तभी फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो विराज की नज़र फ़ोन पे जाती है, तो उसमें फ्लैश चल रही होती है, किसी का फ़ोन आ रहा होता है, तो कहते हैं ओ ये तो मेरी प्यारी बहना का फ़ोन है। तो जब वो फ़ोन के फ्लैश देखते हैं तो उसमें नाम हबी नाम से सेव होता है, मतलब कि अक्षिता का फ़ोन आ रहा होता है। तो विराज ये देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं कि पक्का वो अक्षिता का ही फ़ोन होगा, और किसे कहेगी मेरी बहन हबी। तो फ़ोन वो मतलब कि फ़ोन वो उल्टा करके रख देता है, तो फ़ोन कट हो जाता है। तो फिर मतलब कि उसे देख के वो विशाल की तरफ देखता है, तो देखते हैं कि विशाली दादाजी से बात करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, और विराज को देख के लग रहा होता है कि वो विशाली को फ़ोन देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ना बताने के मूड में है कि अक्षिता का फ़ोन आ रहा है, मतलब कि विराज चाहते नहीं कि वो अक्षिता से बात करे। तो
तो इसलिए वो फोन को फिर से लॉक करके रख देता है। तभी दूसरी बार भी फोन रिंग होने लगता है, अक्षिता फिर से फोन करने लगती है। तो देखता है नाम तो हाँ अक्षिता का ही फोन होता है, तो वो गुस्से से लाल हो जाता है, कहते कि ये लड़की मेरी बहन को चैन से जीने नहीं देगी, एक तो इसकी जिंदगी में आ गई और इस पता नहीं क्या क्या करेगी ये। तो वो फोन लेकर उठकर दूसरी तरफ चला जाता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वैशाली और अक्षिता एक दूसरे से बात करें। तो देखो अब कैसा, मतलब अक्षिता को तो अभी पता भी नहीं है कि वैशाली सचिव मेंशन में आई हुई है, तो अब अक्षिता कैसे रिएक्ट करेगी ऊपर वाला ही जाने। वो विराज वैशाली का फोन लेके घर की दूसरी तरफ चला जाता है। तो विराज जब फोन दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो फिर फोन आ रहा होता है अक्षिता का, तो वो फोन उठाता है और कान में लगाता है। तो कान में लगाते हैं तो काफी गुस्से भरी आवाज, मतलब गुस्से भरी नहीं, काफी कड़क आवाज आ रही होती है, और मतलब आ रही होती कि तुम कहाँ और तुम अपने साथ कोई बॉडी गार्ड लेके क्यों नहीं गई। हाँ तो विराज कहता है कि जब तक मेरी बहन के साथ मैं हूं ना, तो तुम्हारे किसी ईडी ईडी बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है मेरी बहन को, तुम टेंशन मत लो, मैं मेरी बहन का ख्याल रख सकता हूँ। इधर के मतलब ये कह के विराज ने अक्षिता के कॉल का जवाब दिया। तो अक्षिता एक तो पहले तो वो शॉक्ड हो गई कि वैशाली के फोन में किसी लड़की की आवाज़, बट उसे फिर चैन आया कि नहीं, जब वो उसने पूरी बात सुनी तो उसे समझ आई कि हाँ ये विराज है। तो गुस्से से कहती है कि तुम वैशाली का फोन लेके क्या कर रहे हो। हाँ वैशाली कहाँ है और तुम उसको फोन लेके क्यों कर रहे हो। तो विराज कहते हैं कि वैशाली यही है और वैशाली वहाँ जहाँ उसको रहना चाहिए, वैशाली अपने सही जगह पे हो, ठीक है। और एक बात और, तुम मेरी बहन से दूर रहो, ठीक है, तुम उसे भूल जाओ, तो जो भी हुआ ना उसे भूल समझो, क्योंकि मेरी बहन किसी लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती है। मैं उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लूंगा ना अक्षिता, तुम उसे भूल जाओ, मेरी बहन से दूर रहो, ठीक है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरी बहन से बात करने की, उससे दूर ही रहो, जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं होना चाहिए, और मेरी बहन अब हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में रहेगी, और वो अभी भी यहीं पे है, तो तुम अब उसे परेशान करना बंद कर दो अक्षिता जिंदल। तो विराज ऐसा बोलता है अक्षिता को। अब अक्षिता कैसे रिएक्ट करेगी, देखते हैं अक्षिता अब कैसे रिएक्ट करेगी। और विराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट आगे क्या ही होता है देखते हैं। तो इतनी बात सुनने के बाद अक्षिता गुस्से में आ जाती, कहती विराज सोचती हो तुम, इतने कहने के बाद अक्षिता फोन कट कर देती है। तो यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि मतलब अक्षिता अभी अभी तुरंत आई थी अमेरिका से, उसने अभी भी ऑफिस का ही सूट पहना था। तो जब आती है तो घर पे वैशाली को नहीं पाती, इसलिए उसे फ़ोन लगाती है। तो अब ये अलग ही सीन चल रहा होता है। तो विराज इतना अक्षिता बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाती है और वो जल्दी से निकल जाती है विराज के घर आने के लिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उसे होश नहीं होता, क्योंकि वो वैशाली को किसी भी हालत में अपने साथ लेके आती है, तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। तो वो गुस्से से निकल जाती है तो अक्षिता तुरंत ही आई होती है, उसने अपना पूरा बैग भी नहीं रखा होता। वो वैशाली को नहीं पाती तो फिर उसे बेचैनी लगने लगती है, तो इसीलिए तो वो फ़ोन लगाती है। बट यहाँ पे कुछ और ही सीन पता चलता है। तो अक्षिता निकल जाती है अभी ना, जो कि जब पता चलता है कि अक्षिता आ गई है, जैसे पहले इस पता होता है, तो वो आती है तो देखती है अक्षिता को गुस्से से कहीं जाते हुए, तो मतलब गुस्से जाते हुए। तो अभिनव कहते हैं कि ये अभी आई थी और इतने गुस्से से कहाँ जा रही है, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, सारी बॉडीगार्ड्स भी अक्षिता के पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि अक्षिता कहीं अकेले न जाए। तो वहीं दूसरी तरफ विराज बड़ी चालाकी के साथ फ़ोन ले जाके वहीं रख देता है जहाँ पर वैशाली का फ़ोन होता है, कि कुछ पता ना चले। और फिर बड़े मज़े से बैठ के, मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठ के फ्रूट्स खाने लगता है, मतलब कि सारा काम करने के बाद वो चुपचाप फ्रूट्स खाने लगता है, जैसे उसने कुछ किया भी नहीं है। बट दूसरी तरफ तो फिर क्या था, बैठ के फिर थोड़ी देर में सचिदेव मेंशन में गाड़ियों की लाइन लग गई, क्योंकि अक्षिता जहाँ जाती है रॉब के साथ जाती है, अक्षिता का टेंशन ही अलग है। तो गुस्से से अक्षिता उतरती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गॉर्जस लग रही होती है, बोल्ड लग रही होती है, तो वो अपने आँखों से गॉगल्स हटाती है और गुस्से से मेंशन की तरफ घूरती है और अंदर आने लगती है। तभी सचिदेव के मतलब मेंशन के गार्ड्स उसे रोकते हैं अंदर आने से, बट थोड़ी देर में अक्षिता के गार्ड्स आके अच्छा खासा धराशायी कर लेते हैं, मतलब कि अच्छा खासा सब कुछ कंट्रोल में कर लेते हैं, कि कुछ नहीं उखाड़ पाते, मतलब अक्षिता को वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे यार, बट फिर भी फजूल कोशिश कर रहा है। तो अक्षिता मेंशन की तरफ घूरती है और उसका मतलब उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा होता है कि आज वो उसे नहीं छोड़ेगी, मतलब कि उसकी वैशाली से उसे अलग करने का कोई कोशिश करेगा तो अक्षिता चुप बैठेगी क्या, मजाक क्या, नहीं ना। तो फिर
अब उसे गुस्से से घूरती है और वो मेंशन में एंटर करती है। तो आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि क्या होगा आगे के एपिसोड में। तो एपिसोड पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे देखो क्या होता है। वैशाली अक्षत के साथ जाती है, वैसे तो वैशाली जाएगी क्योंकि वो अक्षत के साथ बिना नहीं रह पाते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।